press the bell icon on YouTube app and never miss any update from TechTubeLite. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक ट्यूब लाइट। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ दो टिप्स शेयर करूंगा एंड बिलीव मी, आप लोग इन टिप्स से इतने अच्छे से अपने पीसी का इंटरनेट या किसी भी कनेक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे कि आप सोच ही नहीं सकते। साथ ही आपको मिलेगा एक अमेजिंग टूल जिससे आप अपने पीसी को किसी भी साइबर अटैक के केस में बचा पाएंगे। आई हैव बीन यूजिंग दिस टूल फॉर लास्ट 3 ईयर्स एंड मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ इसकी कैपेबिलिटीज पे। तो देखते रहिए ये वीडियो, लाइक बटन अगर वीडियो आपको पसंद आया हो एंड डिसलाइक अगर नहीं। Subscribe the channel and share with everyone you know. So stay tuned. जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं हूँ टेक ट्यूब लाइट एंड मैं बनाता हूँ पीसी हार्डवेयर, गेम्स, ट्यूटोरियल्स एंड रिव्यू वीडियोस। तो आज जो दो टूल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसमें से पहला आपके पीसी में इनबिल्ट है, वो है विंडोज फायरवॉल एंड दूसरा है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है ग्लासवायर। ये दोनों मिलके आपको इतना पावर देते हैं कि आप चौंक जाएंगे। फीचर्स में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए पहले इसका हम इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। डिफिकल्टी लेवल इज वेरी इजी एंड कोई भी कर सकता है। इस वीडियो को देखते रहिए एंड आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही इससे आपको अपने फायरवॉल का स्टेटस पता चलेगा। फायरवॉल आपके सिस्टम का एक इनबिल्ट टूल है जो एक प्रोटेक्शन लेवल प्रोवाइड करता है एंड आपके कंप्यूटर को बताता है कि कौन से कनेक्शन को अप्रूव करना है या नहीं करना है। आपके पीसी पे कोई भी एप्लीकेशन जब नया कनेक्शन क्रिएट करता है तो उस टाइम पे आपके पास इस टाइप का एक पॉपअप आ रहा होगा। सो दिस इज द विंडोज फायरवॉल जो आपसे पूछ रहा है कि आप इस एप्लीकेशन को एक्सेस देना चाहते हैं कि नहीं। इसी फायरवॉल का हम यूज करेंगे आज के इस एप्लीकेशन में। इसके अलावा लिनक्स में इसे आईपी टेबल्स बोलते हैं। इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप विंडोज का फायरवॉल ही यूज करें। अगर आपका एंटीवायरस कोई फायरवॉल प्रोवाइड कर रहा है तो उसे आपको डिसेबल करना पड़ेगा एंड आई थिंक यू शुड डू इट बिकॉज दिस एप्लीकेशन इज सो ईजी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा ग्लासवायर का डाउनलोड, इंस्टॉलेशन एंड उसके जीयूआई के बारे में। तो सबसे पहले आप ग्लासवायर को डाउनलोड करिए इससे एंड फिर इंस्टॉल करिए, बहुत सिंपल है। उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन विंडो आ जाएगा जो कि बहुत ही इजी है। राइट नाउ जो वर्जन आपको मिलेगा दैट इज ग्लासवायर वर्जन 2 जो कि लेटेस्ट वर्जन है एंड इसमें आपको वो लोग 7 दिन का ट्रायल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस ट्रायल का फायदा यह है कि आप इसके प्रीमियम फीचर्स को टेस्ट कर पाएंगे, बट बिलीव मी आप लोगों को प्रीमियम फीचर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं बिकॉज जिस चीज का हम लोग यूज करेंगे दैट इज वेरी इजी एंड वो फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है। मैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से यूज कर रहा हूँ एंड इट इज जस्ट अमेजिंग। इट जस्ट गिव मी सो मच पावर टू कंट्रोल माय इंटरनेट सेटिंग्स। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं तो वन क्लिक सॉल्यूशन है फॉर ब्लॉकिंग कुछ भी जो कि एक्सेस आपके कंप्यूटर से आ रहा हो या बाहर जा रहा हो। पॉपअप्स, जब भी कोई नया प्रोग्राम आपके एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर से नया प्रोग्राम नया कनेक्शन क्रिएट करता है तो एक पॉपअप आपके पास आ जाएगा, तो आप जान सकते हैं कि हाँ कोई एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट का यूज करने वाला है। आपके पास ऑप्शन होता है एप्स को फिल्टर करने का एंड उसके बिहेवियर को चेक करने का कि वो किस टाइम पे कितना डेटा वो डाउनलोड कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि आपके मल्टीप्लेयर गेम खेलते टाइम पे आपके पीसी पे स्पीड नहीं मिल रहा है बिकॉज कंप्यूटर कुछ ना कुछ चीज अपने आप से डाउनलोड कर रहा है, कोई एप्लीकेशन अपडेट हो रही है। तो आप इन चीजों को रोक पाएंगे, आप जस्ट उस टाइम पे ग्लासवायर को खोलिए एंड जो भी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा डेटा यूज कर रहा है उसको आप ब्लॉक कर दीजिए। उसके अलावा सबसे इसकी खास बात यह है कि इसका यूज करके आप किसी भी मॉलवेयर, एडवेयर, स्पैमवेयर, क्रिप्टो माइनर या बॉटनेट एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन जो भी इंटरनेट का यूज करेगा अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए या फिर आपके पीसी को रिमोट पे लेने के लिए, तो अगर आप उसका कनेक्शन ही बंद कर देंगे, अगर आप उसको फायरवॉल से ही ब्लॉक कर देंगे तो कोई चांस ही नहीं है उसके पास कि आपके पीसी का यूज करे वो इंटरनेट पे किसी भी तरह के गलत काम के लिए। एंड इससे आपको एक फायदा ये होगा कि आपको जितने भी एप्लीकेशन आप यूज करें उसमें से एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एप्लीकेशन आपको पता चल जाएंगे। वो एप्लीकेशन जो कभी इंटरनेट का यूज करते ही नहीं है उसको आप हमेशा ब्लॉक रखिए, तो इट इज वेरी इजी। एंड फाइनली बिकॉज इसके फ्री जो एप्लीकेशन है उसमें हमको ये फीचर मिलता है ब्लॉक करने वाला, सो दिस इज अमेजिंग। अगर आपके पास पैसे हैं तो गो फॉर पेड वर्जन, उसमें आपको इस टाइप का एक एप्लीकेशन काउंटर भी दिखेगा विच इज वेरी नाइस। हर टाइम पे आप अपने इंटरनेट को मॉनिटर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दोनों टूल्स का यूज आप करिए एंड आई बिलीव दैट यू विल जस्ट लव दिस टूल। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जब भी आपके पीसी पे आपको लग रहा है कि कुछ अटैक हो रहा है या कोई एप्लीकेशन ज्यादा डाउनलोड खींच रहा है
तो उस टाइम पे आप इस एप्लीकेशन को खोलिए और उसके डाउनलोड या अपलोड स्पीड को चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विंडोज 10 अपडेट ना हो तो जस्ट इस एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी क्रिटिकल सर्विस को बंद करते हैं, जैसे ये विंडोज होस्ट वाली सर्विस, तो उस टाइम के बाद से आपका पीसी को नया इंटरनेट कनेक्शन नहीं बना पाएगा। सो आपको धीरे धीरे करके यूज करना पड़ेगा। एक 5 मिनट 2 मिनट के स्टेप्स में आप उसको ब्लॉक अनब्लॉक करके आप कोई भी चीज कभी भी कर सकते हैं। जो आपका ऑलरेडी कनेक्शन है, वो जो ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ होता है, दैट इज नॉट डिसकनेक्टेड। सो उस हिसाब से दिस इज क्वाइट फ्लेक्सिबल, एंड आप अगर थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो दिस विल बी एन अमेजिंग टूल फॉर यू। तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों टूल है, विंडोज का फायरवॉल एंड ये एप्लीकेशन, मिलके एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म आप लोगों को दे रहे हैं, एंड ये दोनों इतने इफेक्टिव हैं एक साथ कि ये सभी को यूज करना चाहिए। तो अगर आपके अलावा भी आप अपने दोस्तों को जानते हैं, आपके फ्रेंड्स को जानते हैं, तो उसको इस एप्लीकेशन के बारे में बता सकते हैं, बिकॉज दिस विल हेल्प देम टू डिफेंड देमसेल्फ। कभी भी अगर कोई एप्लीकेशन उनके कंप्यूटर को हैक कर रहा है, या आप देख रहे हैं कि कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, तो उस टाइम पे जस्ट चेक कर लीजिए कौन सा एप्लीकेशन इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, एंड उसे ब्लॉक कर लीजिए। मेरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, डिस्कॉर्ड सर्वर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को इस टाइप का भी कंटेंट पसंद आएगा। गेमिंग एंड रिव्यू से थोड़ा हटके है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है, जस्ट बिकॉज आई हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट थ्रोइंग आउट दीज वीडियोस फॉर यू। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। पीस आउट।